हेलो दोस्तों, शनि मूड में आपका स्वागत है। बिहार पुलिस कांस्टेबल 21,391 भर्ती की तैयारी बेहतरीन तरीका से आप लोग कर रहे होंगे। बचे हुए जो समय है ना, इसको थोड़ा भी जाया नहीं जाने देना, ठीक, अच्छे से यूटिलाइज करना, क्योंकि ज्यादा दिन नहीं है आपके वर्दी वाला सपना पूरा होने से। इस बार जो CSBD एग्जाम लेगा, क्या बदलाव देखने को मिलेगा? एडमिट कार्ड से संबंधित बार बार आप लोगों का आ रहा था कि सर एडमिट कार्ड कब से हम लोग डाउनलोड करने लगेंगे, वो भी जानकारी मिलेगा। बीच में ये बात निकल कर आया कि 3 दिन पहले एडमिट कार्ड जारी किया जाएगा, उस बारे में भी हम बात करेंगे। वो अनऑफिशियली है, वैसा कुछ अभी बात है नहीं। तो मेनली बात किया जाएगा एडमिट कार्ड पर, बचे हुए दिन में क्या आपको तैयारी करना चाहिए, किस सेक्शन में ज्यादा समय देना चाहिए, और जो कमजोर सेक्शन है उसे कैसे आप डील कीजिएगा। हम जो स्टडी मोड पर चालू किए हैं उसका फायदा आप कैसे उठा सकते हैं। और एक बात ध्यान में रखिएगा, जितने भी जद्दोजहद किया गया है आपके रिजल्ट के लिए किया है, और फाइनली आपको अपना रिजल्ट लेकर दिखाना होगा, रिटेन के साथ साथ फिजिकल का भी। कुछ जो जानकारी है आपको मनोबल आगे बढ़ाएगा, पढ़ने के लिए मन करेगा। जो नहीं पढ़ रहे हैं, फिर से मैं बोल रहा हूँ कि तुम्हारे पास कम समय है, बुक के ढेर लगाने से अच्छा है कि जो बुक पहले पढ़ चुके हो उसे रिविजन करो, श्योर रिजल्ट आपको होने वाला है। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले कुछ जानकारी मैं आपको दे देता हूँ शुरुआत करने से पहले, कि आपके एडमिट कार्ड से पहले कि आपके पास मात्र और मात्र अभी आपको 35 दिन बचा हुआ है। ये 35 दिन आपके पास बचा हुआ है, 35 दिन का कैसे यूटिलाइज कीजिएगा कि अच्छे से स्कोर कर पाइएगा, इसके बारे में मैं आपको बात आज करने वाला हूँ। साथ में आपका एडमिट कार्ड जो है, यानी कि सर एडमिट कार्ड कब आएगा, यानी एडमिट कार्ड कब आएगा, इस बारे में भी हम लोग बात करेंगे। साथ में कि परीक्षा केंद्र के बारे में सर जी बताइए कि ये परीक्षा केंद्र के पर कैसे एग्जाम होने की संभावना है, क्योंकि अभी पूरी तरीका से बता देना तो फिर जांच के आदमी घेरे में ही फंस सकता है, ठीक, तो ये भी हम लोग बात करेंगे। चलिए अपना शुरुआत करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। सबसे पहले मैं आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर लेकर चलता हूँ। ऑफिशियल वेबसाइट पर सबसे पहले आपको सभी जानकारी मिल जाता है। आप लोग इतना जल्दबाजी कोई भी काम में करने लगते हैं जिसका कोई अंत ही नहीं है, ठीक। सबसे पहले आप यहाँ पर एक चीज गौर से देखिए, तब जाकर आपको समझ में आएगा कि हाँ ये तो है, ठीक। तो सबसे पहले देखिएगा कि जो पिछला बार एडमिट कार्ड आया था वो कब आया था और आपका एग्जाम कब था। पिछला बार भी ऐसा नहीं था कि आपको CSBC ने 2 महीने पहले जानकारी दिया था। अनऑफिशियली तौर पर जो सेंट्रल के लिए लिस्ट भेजा जाता है उसी के आधार पर आप लोगों को जानकारी मिला था। और इस बार भी देखोगे कि ये जो आपका 1 अक्टूबर का एग्जाम होने वाला था, 7 अक्टूबर का, 15 अक्टूबर का, इसके लिए जो नोटिस जारी किया गया था वो आपको 11/9/2023 को, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 1 अक्टूबर की एग्जाम होगा, 7 अक्टूबर को होगा और 15 अक्टूबर को दो शिफ्ट में एग्जाम होगा, कब एडमिट कार्ड डाउनलोड कीजिएगा, ये सभी जानकारी जो है 11/9/2023 को दिया गया था। तो आपको ये चीज नहीं हमेशा होना चाहिए कि भी जो है क्योंकि एग्जाम कैंसिल हुआ है तो 2 महीना पहले एडमिट कार्ड दे देगा, जी नहीं। अब तो और कड़ाई करेगा, आपके एडमिट कार्ड 15 से 20 दिन पहले आते हैं, यानी कि 15 से 20 दिन देना है, क्योंकि मान लो कि 15 दिन 20 दिन इसलिए दिया जाता है कि अदर स्टेट से भी लड़के एग्जाम देने आते हैं तो अपना टिकट कराना पड़ता है उनको एग्जाम देने आने के लिए। सो ये तो समय देना ही होता है कोई भी हाल में। उसी समय देखिएगा कि आपका एडमिट कार्ड भी जारी किया जाता है, एडमिट कार्ड सेंटर लिस्ट, ये सभी जानकारी आपको मिल जाता है। क्योंकि इस बार कुछ बदलाव हुआ है तो 1 दिन में 1 एग्जाम होगा, यानी 1 शिफ्ट में एग्जाम होगा, टोटल 7 शिफ्ट में एग्जाम होने वाले हैं, 7 दिन। लेकिन ये 7ों शिफ्ट में जरूरी नहीं है एग्जाम लेगा CSBC, इसमें कोई शिफ्ट ये रिजर्व भी रखता है कि अगर बाई दिन में कुछ ऐसा अनहोनी हो जाता है तो उस एग्जाम को टालकर उस दिन में कराया जाए, या ये भी हो सकता है कि 7ों को 7ों शिफ्ट में एग्जाम ले ले। तो अभी ये कन्फर्म नहीं है, ये कन्फर्म कोई बता देना कि नहीं इसी शिफ्ट में यही चीज होगा तो फिर वो थोड़ा मतलब समझ रहे हो ना, दिक्कत का ही बात हो जाता है। चलो यहाँ पर जो CSBC आपको करने जा रहा है, एक देखिएगा CSBC कुछ नया जो चीज करने जा रहा है। पहला नंबर, आपका एग्जाम सेंटर अदर डिस्ट्रिक्ट में देने की पूरी योजना, यानी कि अदर डिस्ट्रिक्ट में देखने को मिल सकता है। दूसरा नंबर, लड़की को नहीं घबराने की जरूरत है, लड़की को आसपास या अपने डिस्ट्रिक्ट में ही आपको सेंटर मिलने की पूरी ये चीज है, ठीक। दूसरा नंबर ये है, जैमर का भरपूर व्यवस्था रहेगा, सेंटर वही चूज किए गए हैं, वही लिस्ट है जो कि जहां पर अच्छे से एग्जाम कंडक्ट कराया जाए, इसके लिए नोटिस भी निकाला गया था। जो चोर उचक्के जो ये चिप्स रहते हैं, जो एंसर चेपने के चक्कर में रहते हैं, कुछ लोग कमेंट भी करते हैं उन्हीं के लैंग्वेज में जवाब दे देते हैं, एक तो जो लोग चोर चुटिन होती है, सिर्फ चोर लड़के ही नहीं होते, लड़कियां भी होती हैं जो कि एक दूसरे के भरोसे बैठी रहती है, उनका इस बार खटिया खड़ा होना एकदम तय है, ठीक। तुम लोग बस इतना अपने अंदर से ये संयम रख कर जाना कि एग्जाम हॉल में तुम तैयारी कर जा रहे हो, पिछले कई महीने से अपने को झोंक रखे हो एग्जाम में, किसी से बताना मत। वे तुम्हारे चाहने वाले की कसम है कि अगर अगल बगल वाला पूछ भी रहा है तुमसे कि भैया ये बता दो, वो कितना भी कहे नहीं, फेयर लवली लगा के आए और पाउडर लगा के आए, अगर तुम उस समय
उसको आंसर बता दे रहे हो या क्वेश्चन कुछ बता दे रहे हो, तो सबसे बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि तुम अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार रहे हो और पढ़ने वाले स्टूडेंट को बाहर कर रहे हो कंपटीशन से, और लड़कियों को जो जद्दोजहद से कम ही स्कोर कर रही है लेकिन अच्छे से पढ़ाई कर रही है। तो ये गलती मत करना, क्योंकि ये दरोगा में मीन्स में लोग बहुत से गलती किए थे जिनका बाद में अफसोस हो रहा था जब कटअप बढ़ा था। तो ये चीज आपको नहीं करना है, इत्मीनान से तैयारी करना है और एडमिट कार्ड के बारे में नहीं सोचना है। 15 से 20 दिन पहले आपको एडमिट कार्ड दिया जाता है, तो मैं दिखाया आपको वैसे आपको एडमिट कार्ड दिया जाएगा। वो भी नहीं है कि आपके एग्जाम से 3 दिन पहले आपका एडमिट कार्ड दिया जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक, फिर हम और एक चीज यहाँ पर आपको जो है जानकारी यहाँ पर दे देते हैं कि अभी जो योजना है यानी कि बेहतरीन तैयारी लेने का, अदर बिहार के सिर्फ सीएसबीसी की नहीं योजना है, और भी जो आपको जो आयोग है वो योजना बना रहा है कि क्यों नहीं हम बाहर चेक कर रहे भरपूर तरीके से, मेटल डिटेक्टर से भरपूर तरीके से। सेंटर में जो ब्लूटूथ वाला एंट्री हो जाता है वो तो जैमर से बंद हो जाता है, लेकिन बहुत से ऐसे भी होते हैं जो अंदर जाकर जैमर बंद कर देते हैं। सो ये तीसरा जो डिमांड है, हम लोग पुरजोर तरीके से ये बात सीएसबीसी के सामने भी रखे, तो उस समय भी रखे, तभी भी पूरा चांस है कि ये चीज लागू हो जाए। और ये जब चीज लागू हो जाएगा तो समझो कि एकदम बेहतरीन तरीके से आपका एग्जाम होगा, कोई इफ एंड बट नहीं। यानी कि जैमर के साथ साथ मेटल डिटेक्टर का यानी जो चेक किया जाता है कि अंदर कुछ लिए तो नहीं है मोबाइल वोबाइल ऐसा ब्लूटूथ, तो वो दरवाजे पर ही पता चल जाएगा। इस बारे में आप लोग आवाज उठाइए, इसको जरूर लागू कर देगा सीएसबीसी, मुझे पूरा भरोसा है। क्योंकि एक शिफ्ट में एग्जाम लेना है यानी एक दिन में, तो ज्यादा लोगों को एक दिन में एग्जाम लेना नहीं है, और सेंटर पर आराम से ये चीज उपलब्ध हो जाएगा। ज्यादा महंगा मिलता नहीं है, 700-800 का ये मिलता है, थोक में मिलेगा तो और सस्ता मिल जाएगा। तो ये चीज के लिए हम लोग को डिमांड उठाना है, अगर फेयर तरीके से एग्जाम कंडक्ट होना चाहिए तो बिहार में। और ये तो भैया देखो 21,391 पदों की भर्ती है, ये तो एकदम फेयर तरीके से होनी चाहिए। 1,07,000 इसमें रिजल्ट आपको देना है, आप लोग को रिजल्ट लेना है, इसमें अपना स्थान बनाना है, तो कम से कम 4 से 5 घंटा पढ़ने स्टार्ट कर दो भाई। लास्ट समय चल रहा है, लास्ट समय में डरो मत, पढ़ाई करो, रिविजन करो। और उसके लिए मैं कुछ आपको तरीके भी बताऊंगा कैसे आप पढ़ाई कर सकते हो, रिविजन कर सकते हो। इतना तुम लोग गांठ बांधकर रख लो कि इस बार के एग्जाम तुम्हारा इतिहास रचने जा रहा है, एकदम बेहतरीन होगा। लेकिन मैं पूरी तरीका से अभी इसलिए 100% नहीं कह पाता हूं, मैं पिछली बार भी बोला था कि एग्जाम तो उसी दिन पता चलता है जिस दिन होता है, यानी जिस दिन दो घटना घटित होती है वस्तुतः उसका उसी दिन पता चलता है। हाँ, उसका जैसा एग्जाम होगा वो चीज हम सोच सकते हैं कि इस तरीके से एग्जाम होना चाहिए, इस तरीके से ये एग्जाम सीएसबीसी जो है कंडक्ट कराएगा। अगला बार विधानसभा जी चुनाव है तो ऐसा आपको देखने को नहीं मिलेगा। और जिन जिन लोगों का हाथ था वो चुटपुटेंगे भी जो थे, इधर उधर चिटपुटरी कर रहे थे, उनको भी अंदर डाला दिया गया है। बस एग्जाम तक कम से कम वो अंदर रहे तो बेहतर होगा। ठीक, अब चलो हम आगे, आपको जो चीज है जो आप लोगों का है कि सर कम बचे हुए दिन है, बड़ा डर लग रहा है, तैयारी कैसे करें, स्कोर कैसे बढ़ाएं, कहां से सीट लगाएं और क्या क्या हमको पढ़ना पड़ेगा, चलो उस बारे में भी हम आपको बात कर ही लेते हैं। आपका बचे हुए 35 दिन का जो रणनीति होना चाहिए अलग अलग सब्जेक्ट वाइज वो क्या होना चाहिए, चलो देख लो यहाँ से। देखो 35 दिन आपके पास समय है, ये 35 दिन जो स्टडी प्लान आपका होना चाहिए, एक आसान स्टडी प्लान होना चाहिए कि देखकर नींद ना लगे, बोर ना हो आप, एकदम बेहतरीन स्टडी प्लान होना चाहिए। क्या होना चाहिए इसमें, इसमें सबसे पहले साइंस का अलग पोर्शन लिख दिया गया है यहाँ पर, जीके का अलग पोर्शन लिख दिया गया है यहाँ पर, और हिंदी इंग्लिश का अलग पोर्शन यहाँ पर लिख दिया गया है। अब आप जानते हो कि कम से कम फिजिक्स में 7 से 8 क्वेश्चन आते हैं, फिर देखो कि केमिस्ट्री में 6 से 7 क्वेश्चन के करीब आते हैं, और यहाँ पर देखोगे आपको बायोलॉजी में 8 से 9 क्वेश्चन, इससे अधिक ही देखने को मिलेगा। और इस समय इन्वायरमेंट इकोलॉजी से 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। ये तो तुम्हारा साइंस का पोर्शन रहा, साइंस पर सबसे अधिक समय तुमको बायोलॉजी पर देना होगा। अगर तुम चाहते हो कि मैं 80% सही कर पाऊं बायोलॉजी या साइंस का क्वेश्चन, तो उसके लिए बेहतर होगा लूसेंट पढ़ो। अगर तुम चाहते हो कि मैं वही पढ़ पाऊं जितना हम पढ़ सकते हैं, तो उसके लिए बेहतर होगा एनसीईआरटी ऑनलाइनर पढ़ो। या अगर चाहते हो कि मैं छोटा चीज पढ़ू, प्रैक्टिस कर लो, तो मेरा वीडियो देखो, मैं जो जीता हूँ उतना पढ़ लो, तुम्हारा एकदम नैया पार हो जाएगा। ठीक, फिर बात करते हैं केमिस्ट्री के लिए, केमिस्ट्री के लिए ऑनलाइनर एनसीईआरटी लुसेंट क्राउन जो भी तुम्हारे पास बुक है पढ़ सकते हो। फिजिक्स के लिए, फिजिक्स के लिए कुछ कुछ एक दो न्यूमेरिकल भी बनाने सीख लेना, मैं आपको क्वेश्चन डालूंगा न्यूमेरिकल का। प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं बिहार दरोगा बीपीएससी बिहार पुलिस कांस्टेबल, उसे देख लो, यहां से तुम्हारा हर क्वेश्चन में पकड़ में आ जाएगा फिजिक्स का। ठीक, और बात रहा एनवायरमेंट इकोलॉजी का, तो ये तो आसान क्वेश्चन पूछता है, आपको प्रैक्टिस सेट के साथ ही आप ये क्वेश्चन भी कर लीजिएगा। ठीक, तो ये भी याद रखिएगा, प्रैक्टिस सेट में एनवायरमेंट इकोलॉजी इनफ हो जाएगा, ये क्वेश्चन कर लीजिएगा। हिस्ट्री पॉलिटी ज्योग्राफी जो है मिसलेनियस करंट अफेयर, ये सब मिला के लगभग 45 क्वेश्चन पूछे जाते हैं 45 क्वेश्चन में। हिस्ट्री से देखोगे 7 से 8 क्वेश्चन पूछा ही जाता है, अगर इसका क्वेश्चन कम करता है तो ज्योग्राफी का बढ़ा देता है। पॉलिटी का देखोगे 6 से 7 क्वेश्चन पूछता है, एकदम आसान क्वेश्चन रहता है, लूसेंट क्राउन से क्वेश्चन रहता है, एकदम
पूरा हिला दोगे माहौल। फिर इकोलॉजी से देखो आपको इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स के आपको 5 से 6 क्वेश्चन इस समय इकोनॉमिक्स पढ़ा भी रहा है, बिजनेस भी पढ़ा रहा है, और ज्योग्राफी का आप देखोगे 7 से 8 क्वेश्चन जिसमें वर्ल्ड ज्योग्राफी भी होता है, साथ में बिहार के आपको भी क्वेश्चन ज्योग्राफी से संबंधित पूछे जाते हैं, साथ में देखोगे कि आपको भारत के भी ज्योग्राफी होते हैं। मिसलिनियस में आपको 10 से 12 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इस तरीके से मिसलिनियस साइंस में भी आपका आ जाता है। तो ये जो आपको पोर्शन है इसको भी आपको कंप्लीट करना है, साथ में हिंदी के 8 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 7 क्वेश्चन इंग्लिश के पूछे जाते हैं, मैथ के 10 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन रीजनिंग का। ये जो रीजनिंग का 5 क्वेश्चन बढ़ा है वो आपको साइंस ले कट गया, यानी साइंस का पहले 30 क्वेश्चन पूछा जाता था, 25 क्वेश्चन क्योंकि रीजनिंग का इसमें आपको एक पोर्शन घुसा दिया। ठीक, तो ये टोटल आप देखिएगा लमसम आपको 100 क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं यही आपका सिलेबस है, इसमें 1-2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन उतार चढ़ाव हो जाता है, लेकिन ओवरऑल इसी को मानकर हम लोग को चलना है कि आपको जो सिलेबस है जिसके अनुसार तैयारी करोगे तो जरूर वहां तक पहुंच पाओगे और अच्छा स्कोर कर पाओगे। अब इसके लिए आपके 100 क्वेश्चन पूछा जाता है, 100 क्वेश्चन का रणनीति आपका ये होना चाहिए कि कम से कम हम 60 प्लस कर दे मेल में, 60 प्लस, और फीमेल में भी 55 प्लस कर दे, ये तो टारगेट कम से कम बनाकर चलो, ये कोई बड़ा टारगेट नहीं है, एक महीना में आराम से अचीव किया जा सकता है टारगेट, और अगर ये टारगेट तुम अचीव कर लिए हो तो इससे ऊपर का टारगेट बनाओ। हम डराते किसी को नहीं है क्योंकि वो चीज से हम गुजर चुके हैं, तो डराते वो है जो वो चीज से नहीं गुजरे हैं। में डराने की क्या बात है भाई, देखो हम पास होने की रणनीति बना रहे हैं, हम टॉप करने की रणनीति नहीं, क्योंकि बिहार पुलिस में कोई टॉप नहीं करता है, बिहार पुलिस का जो रिटर्न है ना वो नहीं बनाता है, मेरिट फिजिकल पर बनता है। तो पास हो जाओ भाव, अपना जितना दौड़ना है जितना दमखम दिखाना है फिजिकल में दिखाओ। तो ये जो आपका 60 क्वेश्चन है ये सही कर देते हो सिक्योर हो जाएगा रिजल्ट, 55 क्वेश्चन अगर अभी सेट में आ रहा है तुम्हारा रिजल्ट सिक्योर है, बस इसको रिदम बनाकर रखना, ये नहीं कि कोई सेट में 55 आ रहा है कोई सेट में 45 आ जा रहा है, नहीं, 1-2 क्वेश्चन का हेर फेर हो जाना चाहिए, रिदम बनाकर रखो, ये नहीं तो प्राप्त हो पा रहा है तो कहीं ना कहीं आपका कमजोर पॉइंट है, उस कमजोर पॉइंट को ऐसे देखना चाहिए कि सेट जब हम लगा रहे हैं कौन सा सेक्शन में ज्यादा क्वेश्चन गलत हो रहा है, कौन सब्जेक्ट में गलत हो रहा है और कौन से टॉपिक गलत हो रहा है, ये तीनों चीज को एनालिसिस करो, उस टॉपिक को उसी दिन पढ़ो, अगला बार सेट में उसे आएगा क्वेश्चन तो नहीं गलत होगा। मैं आपको ज्यादा नहीं बोलता हूं कि ये पढ़ लो बुक वो पढ़ लो बुक, लिमिटेड रखो, उसे ज्यादा बार पढ़ो, ये बात ध्यान में रखिएगा। यानी कहा जाता है कि अगर तरीके यानी कि 100 तरीके से अगर एक चीज को पढ़ोगे, एक ही चीज है 100 तरीके से, तो उसका 100 तरीके से हल जानोगे कि ऐसे चीज कर सकते हैं, लेकिन 100 चीज एक आपको 100 बातें को पढ़ोगे और तरीका एक ही 100 बात पढ़ लिए, 100 बार में 100 बार एक एक बार तरीका पढ़े तो वो 100 बार में 90 बार वाला चीज तुम भुला जाओगे। कहा जाता है कि एक ही जगह बार बार मारने से वहां गड्ढा जरूर हो जाता है, एक ही जगह निशाना लगाने से निशाना जरूर लग जाता है। तो मैं वही बात बोलना रहा हूँ कि 2-3-5 क्वेश्चन के लिए तुम बुक जरूर बदल देते हो, वो चित बदलू वाला काम मत करो, ठीक, इधर सुधर उधर सुधर इधर सुधर नहीं, सेम आपको कहीं भी पढ़ रहे हो किसी का भी टेस्ट लगा रहे हो एकदम उसी पर टारगेट फिक्स करो और उसी को एकदम धड़ाम 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 एकदम टारगेट फिक्स कर करो क्वेश्चन उड़ाते जाओ। ठीक, ये चीज है आपका इसमें जो स्टडी प्लान होना चाहिए। ये मैं जानता हूं कि जो आपका साइंस वाला पोर्शन है अगर इससे डेली आपको टेस्ट लगाना है तो सेक्शनल टेस्ट लगा सकते हो बेहतरीन, वैसे भी ब्रह्मास्त्र में जो 30 दिया हूं आपको जाइएगा तो मेरे चैनल पर आपको जो एप्लीकेशन पर वहां भी ये सब उपलब्ध है, अलग अलग सेक्शन वाइज टेस्ट दिया गया है उसका फायदा, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी एनवायरमेंट इकोलॉजी, साथ में देखोगे मिसलिनियस, साथ में आपको हिस्ट्री एंशिएंट हिस्ट्री मॉडर्न हिस्ट्री सब दिया गया है, और भी तुमको फायदा मिलेगा, बहुत चीज आपको देने वाले हैं, इसे मत चिंता कीजिए। इसमें आपको रिजल्ट का एकदम झंडा गाड़ देना है, ठीक, तो इसमें कम से कम 2 से 3 घंटा तो आपको जरूर समय देना चाहिए, इस वाला पोर्शन में आपको देना चाहिए, आपको 2 से 3 घंटा इस वाला में भी देना चाहिए और इस वाला में भी आपको 2 घंटा तो जरूर देना चाहिए। यानी ये जो है पोर्शन जो है इस तरीके से अगर आप तैयारी करते हो, यानी इस वाला पोर्शन में हिंदी में कितना देना है, आधा घंटा डेली देना है, इंग्लिश में अगर आ रहा है तो ठीक है प्रैक्टिस करते रहो, नहीं आ रहा है तो इसको एक महीने में तुम, ये नहीं मैं बोलूंगा कि पूरा एकदम सिर्फ इंग्लिश पढ़ लो बाकी सब चला जाए भाड़ में, ऐसा चीज नहीं। मैथ रीजनिंग जो है ये आपका जो है मेरिट यानी स्कोर बढ़ाएगा आपका काफी ज्यादा, सीट में ऊपर करेगा, तो इसको भी मैथ को आधा घंटा 45 मिनट दे सकते हो, रीजनिंग को आधा घंटा दे सकते हो, उस तरीके से ये पढ़ाई कर सकते हो। जीके में हिस्ट्री का 1 घंटा दे सकते हो, पॉलिटिक आधा घंटा, इकोनॉमिक्स का आधा घंटा, ज्योग्राफी का 1 घंटा दे सकते हो, मिसलिनियस का आधा घंटा, मिसलिनियस मात्र तुमको क्या करना है लूसेंट का पीछे वाला पढ़ लेना है, 10 से 12 क्वेश्चन तुम्हारे हाथ में आ जाएगा। ठीक, साइंस में क्या करना है, बायोलॉजी पे 1 घंटा दे सकते हो, फिजिक्स में आपको दे सकते हो 45 मिनट, केमिस्ट्री में 45 मिनट दे सकते हो, इकोलॉजी एनवायरमेंट में आपको लगभग 30 मिनट दे सकते हो, इस तरीके से पढ़ाई करो। मैं फिर बोल रहा हूँ कि आपका बुक एकदम चूज होना चाहिए, लूसेंट पढ़ रहे हो, क्राउन पढ़ रहे हो, वन लाइनर पढ़ो, कोई भी पढ़ो, एक बुक पढ़ो, बस तुम्हारा रिजल्ट हो जाएगा। साथ में प्रीवियस ईयर का आपको एक साथ में रखे रहो, जैसे कि एक आपको जो क्लास के बारे में आप लोग पूछते थे कि सर जी 1 महीना बचे हुए हैं अब जबरदस्त पढ़ाई होना चाहिए,
तो 12 बजे डेली आप देखोगे, अब हर दिन यानी कल से 12 बजे डेली प्रीवियस ईयर का आपका यानी कल नहीं परसों से आपको मिल पाएगा, क्योंकि ऑफलाइन में आपको देखोगे तो ये चीज स्टार्ट हो रहा है कि ऑफलाइन में मैं आपको स्टार्ट कर रहा हूँ 7 बजे यानी 7 बजे इवनिंग में। जिनको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जिसमें बीपीएससी का होगा, बिहार पुलिस कांस्टेबल का होगा, बिहार दरोगा का होगा, बिहार फॉरेस्ट गार्ड का होगा, यानी सभी जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है साइंस का वो इसमें मिक्स मिलेगा। कुछ इंडिया का क्वेश्चन होगा, सीडीएस का क्वेश्चन होगा, यानी कि आपके ही लेवल का क्वेश्चन। ये शुरुआत किया जा रहा है, डेली चलेगा आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, और ये 7 बजे इवनिंग में जो चलेगा इसका सोल्यूशन मैं कराऊंगा 12 बजे दिन में, अगले दिन कराऊंगा। वो आपका एक्सेस कर सकते हो यूट्यूब से, आपको लाइव होगा वहां से देख सकते हो यूट्यूब से 12 बजे दिन में, परसों रोज से यानी 3 तारीख से आप देख सकते हो। ठीक, 5 बजे आपको डेली होमवर्क वाला आपको मिलेगा, यानी कि सबसे लड़के बोल रहे थे कि सर जी होमवर्क दीजिए, 5 टॉपिक हम लोगों को पता ही नहीं चल पा रहा है कौन सा टॉपिक पढ़े कौन नहीं। सो टेलीग्राम पर आपको कल से होमवर्क में डाल दूंगा, और परसों रोज से आपका टेस्ट होने शुरू हो जाएगा। 5 टॉपिक का आपका टेस्ट चलेगा, ये 5 बजे 5 टॉपिक का हर दिन, यानी छोटा छोटा टॉपिक होगा, जैसे मतलब कि आप पढ़ सकते हो एक दिन में, कि मैक्सिमम समय में आपका अच्छे से रिवीजन भी हो जाए, मतलब मैक्सिमम रिवीजन हो जाए कम समय में और मैक्सिमम स्कोर हो पाए। ये डेली होमवर्क वाला आपको मैं दूंगा, आपको टेलीग्राम पर ही दूंगा, तो वहां से आप ये चीज कर सकते हो। हाँ, इसका जो पीडीएफ आप एक्सेस कर पाओगे वो आपको सफलता बैच में जाना पड़ेगा, सफलता बैच में भी कोर्स चलेगा। और सफलता बैच का ये खास बात मैंने ये कर दिया है कि 12 बजे से लेकर रात को 1 बजे तक भी बैच चलेगा, एक तो टाइम है 2 बजे तक भी चल सकता है, रिकॉर्डेड रहता है एप्लीकेशन पर, बाद में भी कोई देख सकता है। यानी सफलता बैच का 2-2 टाइम दे दिया है, क्योंकि कम समय बचा हुआ है तो अच्छे से उन लोगों का रिविजन भी हो पाए। साथ में जो ऑफलाइन बैच चलेगा 2 बजे से लेकर 5 बजे तक चलेगा, 100 लोगों को हमने बोला है, वो 2 से 5 बजे तक चलेगा, उसका भी सफलता बैच को एक्सेस मिलेगा। ठीक, यहाँ पर देखिए 9 बजे जो फुल मॉक टेस्ट होता है डेली, वो तो आपका होते रहेगा। और ये देखिएगा, ये फुल मॉक टेस्ट ऑफलाइन संस्था पर कब चलता है, एक 6 बजे सुबह चलता है और एक 10 बजे आपको दोपहर में, यानी कि 10 बजे और आपको 6 बजे सुबह में आपको ये चीज देखने को मिलता है। और इसका सलूशन आपको रात के 9 बजे मैं कंडक्ट कराता हूं। एक टेस्ट और टाइमिंग आएगा, लेकिन अभी नहीं आएगा, कुछ दिन में उसका भी अनाउंस हो जाएगा, कि उस समय भी अगर लड़का आते हैं लगाने चाहते हैं तो लगा सकते हैं टेस्ट को। ठीक, तो ये सभी टाइमिंग, यानी कि आपको 12 बजे क्लास आपको परसों रोज से मिलने लगेगा, 5 बजे शाम का क्लास यूट्यूब पर मिलने लगेगा होमवर्क वाला टेस्ट, यानी आपको होमवर्क दे देंगे, आप घर से पढ़िएगा, लूसेंट से पढ़िए, क्राउन से पढ़िए, जहां से पढ़िए, और वो पढ़कर फिर आपको टेस्ट लगाना है 5 बजे, जब हम हर टॉपिक से 30-35 क्वेश्चन इंपोर्टेंट लाएंगे और आपको यूट्यूब पर लाइव रहेंगे तो वो कराएंगे। ठीक, 9 बजे जो होगा ये फुल मॉक टेस्ट होता है। फुल मॉक टेस्ट के लिए पीडीएफ आपको लेना चाहते हैं, परमाशन लेना चाहते हैं, तो आपको जाइए स्टडी मोड के एप्लीकेशन पर, वहां से आपको ज्वाइन कर सकते हैं, वहां से ले सकते हैं, लिंक मैं दे दूंगा, आप लोग जरूर वहां देख लीजिएगा। ठीक, तो ये चीज इस तरीके से पढ़ाई करना। आप कहोगे सर जी इसमें प्रीवियस ईयर क्यों जुड़े, आप देखोगे कि डायरेक्ट बीपीएससी हुआ, बिहार दरोगा हुआ, वहां से प्रीवियस ईयर बिहार पुलिस कांस्टेबल बनता है, तो आपको जरूरी है सभी प्रीवियस ईयर को एक नजर से गुजार लेना साइंस का, खासकर साइंस का ही नहीं है मैं बोल रहा हूँ, हर सब्जेक्ट का, यानी कि यह सेक्शनल चलेगा, यानी कभी 100 क्वेश्चन साइंस का रहेगा, 100 क्वेश्चन कभी पॉलिटिक्स का रहेगा, कभी 100 क्वेश्चन इकोनॉमिक्स का रहेगा, ऐसे कर आपको चलते रहेगा। ठीक, ये जो डेली आपको चल रहे 5 टॉपिक है, इसमें इंपॉर्टेंट हॉट टॉपिक जहां से क्वेश्चन हमेशा आता है, आपको इंपोर्टेंट है, वहां से मैं आपको इसमें टेस्ट कराते रहूंगा। ठीक ना, फिर साथ में देखिएगा 9 बजे रात को जो चलेगा, ये 9 बजे रात को फुल मॉक टेस्ट का जो सोल्यूशन चलता है वो चलते रहेगा। तो इस सेशन में आपका तैयारी होने जा रहा है, इससे आप मात्र जुड़े रहिएगा ना, तो समझिए कि एकदम फोड़ दीजिएगा रिजल्ट, ज्यादा दूर नहीं है, 1-1.5 महीना बचा हुआ है, यानी 35 दिन बचा हुआ है, 35 दिन को अच्छे से यूटिलाइज कीजिए। फिर से मैं बता देता हूँ कि आपका जो एडमिट कार्ड है वो आपको 15 से 20 दिन पहले ही दिया जाता है, सीएसबीसी अपने ऑफिशियल वेबसाइट पर जानकारी दे देता है कब से आप एडमिट कार्ड डाउनलोड करोगे। सेंटर इस बार जो है अदर डिस्ट्रिक्ट दे सकता है आपको, लड़कों का और लड़कियों का आपका होम ही डिस्ट्रिक्ट रखेगा, मुझे पूरा ये जो चीज है ये चीज आपको पता है। ठीक, तीसरा नंबर ये है कि जो हम लोग बार बार ये बात जाकर रख रहे हैं, यानी कि मेटल डिटेक्टर वाला, और अपने तरफ से पूरा कोशिश है कि मेटल डिटेक्टर लगे, सीएसबीसी से अनुरोध है कि ये बात मान ले और मेटल डिटेक्टर लगा दे, क्योंकि एक दिन में एक ही शिफ्ट में एग्जाम हो रहा है तो वो आसानी से किया जा सकता है, जैसे एसएससी और भी एग्जाम में होता है। चौथा बात यह है कि आपके पास बहुत कम समय बचा हुआ है, समय को यूटिलाइज कीजिए, रिवीजन कीजिए और रिजल्ट फोड़ दीजिए। चलिए फिर मिलते हैं, अपना ध्यान रखिएगा, निरंतर तैयारी करते रहिएगा, कमेंट बॉक्स में जरूर सुझाव दीजिए। वीडियो देखने का बहुत बहुत धन्यवाद, बाय बाय, जय हिंद।